नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीएम। आइए यूपी के प्रयागराज के शंकरगढ़ की ओर ले चलते हैं, जहां पर पंचबंधु ऑनलाइन सेंटर सर्विसेज ने शुरू की ब्रेन साइंस की शिक्षा। नई तकनीकी द्वारा विद्यार्थियों को किया जा रहा है प्रशिक्षण। रटने की प्रक्रिया से आजादी, आसानी से बनती है विषयों पर पकड़। रात भर रट रट कर दिमाग में बोझिलपन से मुक्ति। विषय को इस तकनीकी से बनाया जाता है रोचक और आसान तरीका। स्टेप बाय स्टेप किसी भी विषय को समझने में आसानी। जिस नोट या सवालों को समझने के लिए कई दिन लग जाते थे, अब ब्रेन साइंस की तकनीकी से विषय सीधे मस्तिष्क में। प्रयागराज यमुना पार शंकरगढ़ में मस्तिष्क की मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए एक अनूठा और सफल प्रयास। दी जाती है निशुल्क शिक्षा। क्लासरूम के बाद लैब में भी तैयारी कराई जाती है। प्रयागराज जनपद के यमुना पार जिले का ब्लॉक शंकरगढ़ विकास क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ है। यहाँ के निवासी मूल रूप से बालू खनन मजदूरी तथा थोड़ी बहुत किसानी से अपना जीवन व्यापन करते नजर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी शंकरगढ़ आज भी अधूरा और पिछड़ेपन में ग्रसित है। यहाँ पर चलने वाले विद्यालय और कॉलेजों में बच्चों को शिक्षा तो दी जाती है, किंतु विकास के क्षेत्र में आज भी पीछे रह गया है शंकरगढ़। स्कूलों द्वारा अनेक विषयों का बोझ विद्यार्थियों के मस्तिष्क और शरीर को थकाने के साथ साथ उन्हें तनावग्रस्त भी करता है, किंतु शंकरगढ़ में पंचबंधु ऑनलाइन सर्विसेज ने विद्यार्थियों की कमजोरी और तनावपूर्ण विषय शैली को दूर करने के लिए ब्रेन साइंस माध्यम के निःशुल्क कक्षाएं शुरू कर बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। आपको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में मेरी इच्छा होती थी कि हमेशा क्लास में मैं फंसता हूँ, लेकिन बिना पढ़े हो तो बोला है। आप कितने बच्चे मेरी तरह दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं। मैंने आप फर्स्ट को आना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट आने के लिए सर ब्रेन साइंस है क्या और इस तकनीक से कैसी शिक्षा दी जा सकती है? ब्रेन साइंस, वैसे तो ब्रेन साइंस पढ़ाई ही है, पढ़ाई का विज्ञान है। पढ़ाई में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पर सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाए ये ब्रेन साइंस है। पढ़ाई के चार चरण होते हैं, पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। हमें पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है और समझने को समझाया जाता है, लेकिन याद कैसे करेंगे कभी सिखाया नहीं जाता। और उसके लिए भी हमें पुराने तरीके से रटना दोहराना बताया जाता है। रटने और दोहराने से जो याद होता है वो देर से याद होता है और जल्दी भूल जाते हैं। ब्रेन साइंस इस समस्या का उपाय करता है और जल्दी याद करवा के कभी ना भूलने का ज्ञान या कौशल बच्चों में देता है। इस शिक्षा का चौथा आयाम साइंस ऑफ रिकनेक्शन को पूरा करता है, उस पर बना हुआ है। पढ़ाना हमने अच्छी तरह सीखा इसलिए हम कभी पढ़ना नहीं भूलते। लिखना हमने अच्छी तरह सीखा इसलिए हम कभी लिखना नहीं भूलते। जो चीज़ हमने अच्छी तरह समझी उसे हम नहीं भूलते, लेकिन जो भी हमने याद किया उसे ही क्यों भूलते हैं? क्योंकि हमने याद करना अच्छी तरह नहीं सीखा। ब्रेन साइंस वास्तव में निमोनिक साइंस पर बना हुआ है, जो बच्चों को याद करने की विभिन्न विधियां ऐसे ही सिखाता है जैसे किसी मैकेनिक के पास उसका टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स में अलग अलग तरह की समस्या के लिए अलग अलग तरह के उपकरण हैं। टूल ऐसे पढ़ाई के अलग अलग विषयों पर कैसे विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए ये ब्रेन साइंस सिखाता है। इससे पढ़ाई सहज रुचिकर बनती है, जल्दी याद होती है, एग्जाम का तनाव खत्म हो जाता है, पढ़ाई में आनंद आता है और बच्चे सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। सर ब्रेन साइंस की पढ़ाई क्या ये महंगी पढ़ाई है या किस तरह की है? ब्रेन साइंस की पढ़ाई महंगी नहीं, पढ़ाई तो महंगा तो अब कर दिया है पढ़ाई को। पढ़ाई ज्ञान, मेरा तो ये मानना है कि भारत में अच्छी शिक्षा आपका अधिकार होना चाहिए, आपका सौभाग्य नहीं। अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं तो उसका वहाँ पढ़ने का कारण हमारा पैसा नहीं होना चाहिए। ना सरकारी स्कूल का में जाने का कारण निर्धनता होनी चाहिए, ना अच्छे स्कूल में जाने का कारण बहुत पैसा होना चाहिए, बल्कि शिक्षा का तरीका और शिक्षा से होने वाले बदलाव यानी शिक्षा की क्वालिटी, गुणवत्ता ही वहाँ पर पढ़ने का कारण होना चाहिए। ब्रेन साइंस कुछ भी महंगा नहीं है। ब्रेन साइंस को अभी यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है तो चूंकि जिस तरह से हर स्कूल के अंदर एक कोई फीस वगैरह ली जाती है, वैसे हो सकता है इस सेंटर में कुछ नॉमिनल कुछ ना कुछ एक्सपेंस के लिए निकाला जाए, लेकिन ब्रेन साइंस अपने आप में मेरे हिसाब से एक महंगा साइंस नहीं है। हाँ, ऐसे कई संस्थान हैं जो पढ़ाई को बहुत महंगा और कॉमर्शियल बना चुके हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चों को अगर ब्रेन साइंस सिखाया जाए तो बल्कि उन्हें कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका शिक्षा का तनाव भी खत्म हो जाएगा, तो ये माता पिता का पैसा बल्कि बचाने वाला साइंस है।